नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा पानी निकासी मामला, एसडीएम ने सभी अधिकारियों को मौके पर बुलाया, खुद लिया जायजा। सिवरेज मैनहोल को खुलवा खुलवा कर किया चेक। नगरपालिका की नालों की भी खुली पोल, न लेवल ठीक न अंतिम छोर का पता, एसडीएम ने लगाई फटकार। एसडीएम बोले, छोटा सा खरखुदा शहर है, इसकी भी निकासी ठीक से नहीं कर सकती। एसडीएम ने मौके पर ही पूछा क्या वे कैसे होगा समाधान। अधिकारियों की एक स्पेशल कमेटी करेगी वीकली जांच। एसडीएम को सौंपेगी साप्ताहिक रिपोर्ट। नालों की सफाई के लिए चेयरपर्सन को भी कहा, जल्द हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके नालों की हो सफाई। जहां पर नालों के पानी निकासी नहीं हो रही, वहां सीवरेज लाइन से कनेक्ट होंगे नाले। आपस में कनेक्ट भी नहीं मिले, थाना कला चौक के मैनहोल मशीन मंगवाकर तत्काल मैनहोल को कनेक्ट करने के लिए दिए निर्देश। दिल्ली चौक पर पार्षद रविंदर सिंह ने एसडीएम को दी नालों पर सफाई के नाम सरकार ग्रांट के दुरुपयोग की शिकायत। कहा, नालों की सफाई के नाम पर 50 लाख खर्च हुए, फिर से नालों को कवर्ड कर दिया। एसडीएम संजीव बिश्नोई ने कहा कि खरगुदा शहर की पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम कराए जाएंगे। सभी अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है जो हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट देगी, ताकि शहर की पानी निकासी विधिवत हो सके, शहरवासियों को परेशानी ना हो। हमने खरखुदा शहर में जल भराव को लेकर एक कमेटी के साथ दौरा किया, जिसमें पब्लिक हेल्थ, B&R, नगर पालिका के सभी प्रकार के इंजीनियर्स को साथ लेके एक दौरा किया, जिसमें सीवरेज सिस्टम को और ड्रेनेज सिस्टम को चेक किया गया। दोनों में खामियां पाई गई और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तुरंत इस खामी को दूर करें, कल से इस काम स्टार्ट करें। इसके अलावा जहां जहां भी जल भराव हो रहा है, उन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखें। हर सप्ताह इनकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई गई है SDO B&R की अध्यक्षता में। वो सभी विभागों में JEE के साथ लेके हर सप्ताह उनको चेक करेंगे और कोई खामी पाई जाएगी तो इसका अगले को रिपोर्ट करेंगे। सर, कई मैन होल भी अभी कनेक्ट नहीं है आपस में। हाँ, आज देखने में आया कि कुछ मेन होल जो हैं बंद हैं, तो उसके लिए हमने सुपर सक्कर 2 मशीनें मंगवाई हैं आज ही, कल से वो काम स्टार्ट होगा। बाकी लाइन सारी चल रही है, बाकी सारी लाइन चल रही है, बाकी इससे आगे चल रही है। दिल्ली रोड की हां सब चालू है, हमें दिल्ली रोड पर पॉइंट दिखा दे। ठीक है भाई, ये रिएक्शन होगा ना, बट अब जब ये लग रही थी, जब कुछ काम थे आइए, तो ये तो ट्रेंचलेस ली है ना, ऊपर से तो नहीं आया होगा। दो गली में सर ये नाली जो है, बाकी सीवर है टोटल, वो वहां पे जोड़ देंगे। ये इतनी थोड़ी गली उठा दो यार, ये इनपे काम आ जाएगा। 6 महीने हो गए ये सेक्टरी, ये जो जेई आपके कुछ नहीं कर रहे, ये जो कमेटी वाले नहीं कर रहे। 6 महीने से मैं कह रहा हूँ भाई, इन्हें उठवा दे, इन्हें उठवा दे, बराबर वाली गली बन के गई जब भी कहा था इनको। अभी करेंगे, आप चिंता ना करो, ये हम बहुत जल्दी इसको समाधान कर लेंगे आज, इसलिए हम सारे SDOs इकट्ठे हो गए। सीवर भी काफी भर ये सीवर खाली है, देखो ये तो देख लिए। सैनी हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर, दिल्ली रोड, खरखुदा। हमारे यहाँ पर सभी अंग्रेजी व देसी दवाइयाँ सरकारी रेट पर मिलती हैं। कोई भी दवाई रियायती मूल्य पर लेने के लिए संपर्क करें। पता, मेन दिल्ली चौक, दिल्ली रोड, सैनी हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर, खरखुदा। फ़ोन नंबर 9860-85256। 2001 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान लगातार जारी। रजिस्ट्रेशन एवं एडमिशन शुरू, नर्सरी से 12वीं तक, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सहित सभी लैब सुविधाएँ उपलब्ध, फुली AC रूम एंड CCTV फैसिलिटी, प्री प्राइमरी तक के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था। AP गर्ल पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, ताकि भविष्य में वह ऊंचाइयां छू सके और अपनी व अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सके। बिरला इंटरनेशनल स्कूल,
न्यू ब्रांच ऑफ बिरला इन योर सिटी एफिलिएटेड टू CBSE. क्रिएट द बेस्ट फ्यूचर फॉर योर चिल्ड्रन. एडमिशन ओपन प्री नर्सरी टू 12th. मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज विद सिंगापुर स्टडी पैटर्न. पूरे कर सके. आप नमक ज़्यादा खाएंगे, आप स्ट्रेस ज़्यादा रखेंगे, आप स्मोकिंग करेंगे तो हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा रहेगा. ये तीन ऐसे हमें बच के रहना है. और करना क्या है, तीन ईज हैं. ईट हेल्दी, हम अच्छा खाना खाएं, हम एक्सरसाइज करें, ठीक है, और हम ड्रग्स मेडिकेशन ढंग से खाएं. तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे, स्पेशली स्मोकिंग ना करें, स्ट्रेस ना करें, व्यायाम, एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा जरूरी है. रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. धन्यवाद.